टीचर बच्चों को यूनिट की परिभाषा सिखाने से पहले अर्थ समझाएं। आप तो जानते हैं कि गणित की अवधारणाओं को यदि बच्चों के व्यवहार तथा उनके परिवेश से जोड़ दिया जाए तो वे बहुत आसानी से उन अवधारणाओं का प्रयोग करना सीख जाते हैं। जैसे यहाँ पर रश्मि कर रही है, चलिए देखते हैं। छुट्टी के समय रश्मि जब स्कूल से घर जाती तो कच्चे रास्ते में लगे पत्थरों की डालियों को गिनती करती चली जाती। ठीक से बोलो। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 इसी प्रकार से 40 तक। बच्चों तुम बता सकते हो इसका क्या? आप बताओ रश्मि क्या कर रही थी? दीदी रश्मि गिनती कूद कर डालियों को गिन रही थी। बिल्कुल ठीक। रश्मि हर बार कूद कर दूसरी डाली पर खड़ी हो जाती, इसलिए वो हर कूद को 2 से गुणा तो कर रही है ना। पहली कूद 2 × 1 = 2, दूसरी कूद 2 × 2 = 4, तीसरी कूद 2 × 3 = 6 और इसी तरह से 2-2 के अंतर में 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 करते करते वह 40 तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चों इन सभी संख्याओं को देखकर कुछ समझे? ये सारी संख्याएं तो 2 के पहाड़े में आती है ना। किसी भी संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं उस संख्या की गुणज कहलाती है। गुणज यानी गुणा से जन्म लेने वाली या गुणा करके मिलने वाली संख्याएं। 2 की गुणा से जो भी नई संख्या हमें मिलेगी वो 2 की गुणज कहलाएगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। वो 2×100 हो, 2×999 हो या 2×10,000 हो या कितनी भी बड़ी संख्या हो, होगी वो 2 की ही गुणज, क्योंकि वो हमें 2 से गुणा करने के बाद मिली है। तो इसी तरह 3 की गुणज हुए 3, 6, 9, 12, 15, 18 इत्यादि। 9 की गुणज हुए 9, 18, 27, 36, 45 इत्यादि। 12 की गुणज हुए 12, 24, 36, 48, 60 इत्यादि। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि हमने पिछली कक्षा में पहाड़ी क्यों याद किए।